नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूँ राधिका। हिमाचल भारत के सबसे खूबसूरत राज्यों में से एक है। यही वजह है कि यहाँ साल भर सैलानियों का आना जाना लगा रहता है, लेकिन कई बार ये खूबसूरत पहाड़ लोगों की जान ले लेते हैं। कल ऐसा ही नज़ारा किन्नौर में भी देखने को मिला। किन्नौर में हुए लैंडस्लाइड की घटना में 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। इन्हीं में शामिल एक डॉक्टर दीपा शर्मा, जिन्होंने मौत से कुछ मिनट पहले एक फोटो ट्वीट की थी। ट्वीट की गई इस तस्वीर को देखकर लोग अपनी दुख भरी प्रतिक्रिया देने से खुद को रोक ना पाए। डॉक्टर दीपा शर्मा का ये आखिरी ट्वीट सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। महज 34 साल की दीपा लगातार अपनी हिमाचल यात्रा की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर कर रही थी। मौत से महज कुछ मिनट पहले भी उन्होंने एक फोटो शेयर कर ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने लिखा था, भारत के उस आखिरी पॉइंट पर खड़ी हूँ जिसके आगे जाने की नागरिकों को अनुमति नहीं है। इस जगह से करीब 80 किलोमीटर दूर तिब्बत बॉर्डर है, जिस पर चीन ने अवैध कब्जा कर रखा है। दीपा शर्मा के ट्वीट करने के कुछ देर बाद ही लैंडस्लाइड का बड़ा पत्थर उनकी टेम्पो ट्रैवलर पर गिर गया। इस हादसे में 4 महिलाओं की मौत हुई। यूजर्स उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। कंगना रनौत से लेकर कुमार विश्वास समेत कई बड़ी हस्तियों ने भी ट्वीट कर उनकी मौत पर दुख जताया है। दीपा शर्मा बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत की बहुत बड़ी फैन थी। कंगना ने दीपा शर्मा को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि भी दी है। उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरी पर तस्वीरों को शेयर करते हुए लिखा, वो बहुत बड़ी फैन थी। उन्होंने मुझे फूल, प्यारे खत, तोहफे और मिठाइयाँ भेजी थी। वो मेरे मनाली वाले घर भी आ चुकी है। ओ, किसी बड़े झटके जैसा लग रहा है। ये दुखद होने से भी बढ़कर है। डॉक्टर दीपा के परिवार और दोस्तों को मेरी सांत्वनाएं। आप हमेशा मेरे दिल में रहेंगी। प्लीज़ वापस आ जाओ। वहीं कुमार विश्वास ने दुख जताते हुए लिखा है, हे ईश्वर, हिमाचल के भूस्खलन में तुम्हारी मृत्यु के समाचार पर भरोसा नहीं कर पा रहा हूँ। केवी कुटर में औषधीय पेड़ों को लगाने का तुम्हारा आग्रह रह रहकर याद आ रहा है। जयपुर में तुम्हारे परिवार के साथ मुलाकात का वादा पूरा करना था कि तुमने राह बदल ली। तुम्हें शांति मिले दीपा। कई अन्य हस्तियों ने भी दीपा शर्मा को याद कर उनके कुछ यादगार लम्हे सोशल मीडिया पर शेयर किए हैं, साथ ही उनकी आत्मा को शांति मिलने की प्रार्थना की है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।